आज का शीर्षक है तुम मुझको कैसे रोकोगे। ये जवाब है आप सबकी तरफ से आपके कॉम्पिटिटर्स को, आपके इल विशर्स को, आपका बुरा चाहने वालों को, आपके दुश्मनों को, आपके विपक्ष को, आपके कमजोरियों को। यह जवाब है आपका खुद को। गौर से सुनिएगा दोस्तों, आप जो भी लोग मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सब मन में अपना नाम लें और विचार करें कि जो बातें अपनी कविता के द्वारा मैं आपसे बताने जा रहा हूँ वो आप खुद को कह रहे हैं, वो आप खुद को कह रहे हैं। ये कविता हालांकि मेरी अपनी है, ये इसमें मेरे जीवन के, पिछले जीवन के इतिहास जुड़े हुए हैं जो मैं आप सबसे इस कविता के बोल के माध्यम से शेयर करूंगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलते देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलते देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने वृक्षों से जीवन खींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर जमीन पर पलकर मैंने वृक्षों से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। जी दोस्तों, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं अब तुमसे झुकने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अगर आज आपका विपक्ष आपके सामने है, अगर आज आपका विपक्ष आपको छोटा दिखा रहा है, अगर आज आपका विपक्ष आपको झूठा दिखा रहा है, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, आप अगर बिजनेस में हैं वो आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है, आप जॉब में हैं वो आपके बगल में बैठा हुआ आपका कलीग हो सकता है, एक ही बात कही है उन सब से और अपने मन में, तुम मुझको कब तक रोकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कभी भी अपने आप को छोटा, दबा, कुचला, मायूस,
लाचार और बेचारा महसूस न करें। आप हैं, आप अपनी सबसे बड़ी ताकत हैं, आप अपनी सबसे बड़ी इज्जत हैं। अगर आप अपनी सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं, अगर आप अपनी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप खुद को सबसे ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, प्रिटी महसूस करते या करती हैं, तो यकीन मानिए दुनिया आपको सलाम करेगी। अगर आप कहेंगे मैं हैंडसम हूँ, दुनिया कहेगी आप हैंडसम हैं। अगर आप कहेंगे मैं खूबसूरत हूँ, दुनिया आपकी खूबसूरती की तारीफ करेगी। बस एक बार अपने अंतरात्मा से, अपने उस कमजोर विचार से कहिए, तुम मुझको कब तक रोकोगे? अपने मस्तिष्क से कहिए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अभी मेरे पीछे बोलिए, मैं रुकने वाला नहीं। बोले शीशे के सामने खड़े होकर, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अपना नाम लेकर बोले, मैं सौरभ वर्मा रुकने वाला नहीं हूं। अपने आप को फक्र महसूस करें और बोले, तुम मुझे कब तक रुकोगे? आई एम अ विनर, मैं एक विजेता हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। घबराइए मत, डरिए मत, परिस्थितियां विपरीत हैं, बदल जाएंगे। समाज खिलाफ है, साथ हो जाएगा। दोस्त परवाह नहीं करते, आई डोंट केयर, चाहिए भी नहीं परवाह। आप अपनी परवाह करें स्वयं। छोटी सी कविता आपके दिलों तक, आपके अंतरात्मा को हिलाने के लिए, झंझोड़ने के लिए, आपको आपसे आपकी मुलाकात कराने के लिए। ये कविता, ये बातें अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सौरभ डॉग कैनल हमारा एक चैनल है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। मैं सौरभ वर्मा, यूपी वाराणसी से, अ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, आपके सामने आपके लिए ऐसी छोटी छोटी कुछ कविताएं अक्सर लेके आता रहूँगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि आप और ज़्यादा सीख पाएँ, और ज़्यादा जान पाएँ, अपने आप को पहचान पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।